सर आपका नाम? मेरा नाम जगवीर सिंह है, मैं दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हूँ और आज इस समारोह में सम्मिलित हुआ हूँ। आज मुझे भाई करमवीर जी ने जो ये पर्दा प्रथा को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने काम किया है, ये वाकई प्रशंसनीय है और ज़रूरत है हमको व्यवहारिक रूप से जीवन में जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, जो इस ब्राह्मणवाद को इसको ख़त्म करने में या ब्राह्मणवाद को कम करने में सहायक सिद्ध होती हैं, तो ये भी एक ब्राह्मणवाद का हिस्सा था अपने आप में। तो ये जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा से जो हमारे मन के जो विचार हैं हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो ये एक निकट भविष्य में एक परिवार को, परिवार के डेवलपमेंट में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। ऐसा जब घर में बहू आती है और जो रीति रिवाज अपनाए जाते हैं तो हमारे घर की महिलाएं खुद जानबूझकर उन लड़कियों पर या जो बहुएं आती हैं उन पर जानबूझकर प्रेशर डाला जाता है कि तुझे अपने ससुर से घूंघट करना है, अपने जेठ से घूंघट करना है, मंच पे आके तुम सारी बातें कहते हैं कि हम ये प्रथा खत्म कर देंगे, लेकिन घरों के अंदर आज भी मूर्ति पूजा और प्रथा चल रही है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अपने परिवार का बताता हूँ कि मेरी बड़ी भाभी वो MA BEd थी, तो जब वो परिवार में आई तो मेरे हमने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि पिताजी ये इनकी क्वालिफिकेशन MA BEd है और घर में भी ये यदि पर्दे में रहेंगी, जबकि स्कूल में भी जाना है, इनको घर से बाहर निकलना है, तो क्या पर्दे में रह करके इनका विकास हो पाएगा या घर में इस तरीके के बंधन में रह कर के ये परिवार का विकास कर पाएंगे? तो हमारा आपसे ये अनुरोध है कि ये जो पर्दा प्रथा है आप स्वयं ही इसका विरोध करें और आप खुद अपने पुत्र। आपने बताया है कि मेरी बड़ी भाभी जो डबल MA BEd थी, पढ़ी लिखी थी, तो सर पढ़ी लिखी होना एक वो पर्दा नहीं करेंगी? जो अनपढ़ बिचारी वो जो हैं क्या वो पर्दा करेंगी? देखिए जब पढ़ी लिखी पर्दा करती हैं तो जो कम शिक्षित हैं या अनपढ़ हैं तो वो कहती हैं भाई वो तो पढ़ी लिखी पर्दा करते हैं, हम तो अनपढ़ हैं, तो ये उनको एक प्रेरणा मिलती है कि भाई वो भी तो बहू है उस परिवार की और उसने उस चीज़ को छोड़ा है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छा काम किया है भाई करमवीर जी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ये मैसेज यहाँ रामलीला मैदान से पूरे देश में जाएगा ऐसी।